रायपुर कोर्ट में काली जरड़ की पेशी हुई है, पेशी के बाद क्या फैसला हुआ है इसके लिए बातचीत करने के लिए हमारे साथ काली जरड़ के वकील हैं शरद मिश्रा जी, उनसे बातचीत करते हैं। क्या निर्णय हुआ और किस किस बातों की दलील दी गई? न्यायालय ने 1 तारीख तक के लिए पुलिस रिमांड में कालीचरण महाराज को भेजा है जी। हमारी तरफ से मुख्यतः तो यही दलील दी गई कि अरेस्ट की जो कार्रवाई की गई है जी महाराज जी के विरुद्ध, वो पूर्णतः अवैधानिक है। अरेस्ट करने के पूर्व जो विधिक के प्रावधान में जो दिशा निर्देश उल्लेखित हैं और सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइन फ्रेम की है उसका पालन किसी भी प्रकार से नहीं किया गया है, और उन्हीं सब दलीलों को पेश करके हमने न्यायालय से मांग की थी कि पुलिस रिमांड स्वीकार ना की जाए, पर न्यायालय ने हमारी मांगों को अस्वीकार करके उनको हमारी जो प्रेयर थी उनको अस्वीकार करके उनको पुलिस रिमांड में भेजा। आगे की क्या तैयारी है, किस प्रकार की आगे की बातचीत होगी? आगे की तैयारी विधिक परामर्श करके, विधिक सलाह मशवरा करके हम इसमें बेल के लिए मूव करेंगे आगे। कालीचरण जी का जो बयान था उसी के साक्ष्य के आधार पर राजद्रोह का मामला भी दर्ज किया गया है, क्या इसकी जानकारी आप लोग को दी गई है कि नहीं? देखिए, इसकी जानकारी तो हमें नहीं दी गई थी और ना ही ये पब्लिक डोमेन में था। जो FIR लॉन्च की गई थी वो 505 और 294 में की गई थी, और इसके पश्चात भी जब कालीचरण महाराज जी को यहाँ पर प्रस्तुत किया गया उसके पश्चात भी हमको इस धाराओं से अवगत नहीं कराया गया था कि उनके विरुद्ध नए धारा जो है जोड़े गए हैं, हमको इसकी जानकारी नहीं थी। पुलिस की कार्रवाई पर आप क्या कहेंगे, क्या कुछ गलत हुआ है कि सब सही है? नहीं, पुलिस की कार्रवाई तो निश्चित रूप से प्रक्रियाओं का पालन नहीं करना स्पष्ट रूप से दर्शित है उसमें जी। और पुलिस ने प्रक्रियाओं का पालन न कर विधि का उल्लंघन किया। देखिए, जिस प्रकार से आज दिन भर से जो चर्चा हो रही थी, जब आज सुबह 4 बजे कालीचरण को रायपुर पुलिस ने गिरफ्तार किया मध्य प्रदेश से, उसके बाद से यहाँ रायपुर लाया गया। रायपुर लाने का जो वक्त लगा वो काफ़ी कईयों घंटे का समय लगा। उसके बाद रायपुर कोर्ट में पेश किया गया कालीचरण जी को। उसके बाद जो सुनवाई हुई, सुनवाई में यह फैसला सामने निकल कर आया कि 1 जनवरी तक कालीचरण को पुलिस के रिमांड में भेज दिया गया है। और उनके जो वकील हैं उनका यह कहना है कि जो विधिक प्रक्रिया को नहीं अपनाई गई है और खासकर जो राजद्रोह का जो केस कालीचरण पर लगा है उसकी भी आपत्ति यहाँ पर जताई जा रही है। रायपुर से ABP न्यूज़ के लिए रवि मिरी। ABP News, आपको रखे आगे।